अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो यार आप सभी लोग? यार मेरी फ़र्स्ट व्लॉग वीडियो है। तो यार वैसे तो मैं काम पे रहता हूँ, हमारी शॉप्स वगैरह हैं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं जो है वीडियो ज़्यादातर बना सकूँ, क्योंकि यार दुकान का काम ही इतना होता है। लेकिन यार मैं आप लोगों को ना अपने काम के साथ साथ ही वीडियो शीडियो जो है वो अपना ब्लॉग बना के दिखाता रहूँगा, क्या काम करता हूँ मैं, क्या नहीं करता। बाकी यार जो रूटीन में आप लोगों के साथ ही थोड़ी थोड़ी जो है अपनी रूटीन शेयर करता रहूँगा यार। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरी फ़र्स्ट वाली वीडियो है, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को और लाइक अभी से कर दो, तो क्योंकि यार मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स इसी तरह बनाने लगा हूँ। यार मैं क्या काम करता हूँ, अभी तो मैं फ्री हूँ, मेरा काम आया नहीं अभी। वैसे मैं शॉप पर ही होता हूँ, वो मैं शाम को भी जाऊँगा, और एक हमारी दूसरी मीट वाली शॉप भी है यार, उस पर भी मैं जाता हूँ, लेकिन वो जब काम आएगा यार वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो अभी तो मेरे पास इतना काम है नहीं, सुबह के तकरीबन अभी 10 का टाइम है, मैं तकरीबन फ्री ही हूँ। आज लाइट भी चली गई यार, उसकी वजह से भी मसला बन रहा है। तो जैसे ही काम आएगा यार शुरू कर लेंगे, अभी जो है काम मेरे पास इतना है नहीं है। काम यार आ गया दुकान पर से ना, अबू ने उसके हाथ शापर भिजवा दिया, काम बहुत ही थोड़ा सा है। अभी मुझे बताया उसने कि सामान आ गया, ये आ गया शापर, देखो ये रहे यार। ये इसमें ना सिर्फ 4 पाए हैं जो मुझे साफ़ करने हैं ना, बाकी जो 4 है ना वो आगे कर ली हैं साफ़, पहले भी सुबह के आए हुए थे ना वो मैंने साफ़ कर ली हैं। ये वाले 4 जो हैं दुकान से आया था लड़का, वो अबू ने उसके हाथ भिजवा दिए। तो यार वो अक्सर जब उसका चक्कर हो ना वो खुद ही दे जाता है। अभी मेरे पास ना ये वाले 4 हैं जो मैंने करने हैं साफ़। अभी यार लाइट भी नहीं है, मुसीबत बनी हुई है, क्यों पानी का मसला, इन्होंने पानी से साफ़ होना है, पानी से छीलना है। तो यार ये 4 हैं जो मैं कर दूंगा ना अभी थोड़ी देर तक साफ़। तो यार इतने भारी पाए हैं आपने देखे, ये बेहतरीन यार खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं, क्योंकि ये कट्टे के पाए हैं। मुझे लग रहा है किसी फंक्शन वगैरह में जो है जानवर करा होगा, क्योंकि पाए का आपने साइज़ चेक करा कितना बड़ा है। तो यार एक मसला अब ये एक नया बना हुआ है दुकान पे ना, कि कल ही जो है परसों जो गवर्नमेंट ने ना रेट कम कर दिया गोश्त का, 600 कर दिया, 800 हुआ था। लेकिन अब कट्टे बच्चे का ये मसला है कि उसका जो रेट था ना 800 से 600 का है, उसका नुकसान ये है कि देखो यार मार्केट में जो है ना जानवर इतना सस्ता मिलता ही नहीं है, कि जो वो कट्टे बच्चे का यार जो गोश्त का रेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप जानवर मंडी से भी लो ना तो वो भी जो है जिस हिसाब से मिलेगा ना उसमें आपको किलो भी है जो है वो 700 पड़ेगा तकरीबन, तो 600 यार किस तरह बेचेंगे। ये जो है बहुत मुसीबत बनी हुई है रेट की वजह से। अब देखो यार क्या करते हैं, मार्केट तो वैसे मैं जाता नहीं हूँ, मैं कम ही जाता हूँ, मेरा चक्कर लगेगा तो बाजार जाके दिखा दूँगा मैं आपको दुकान पर क्या हिसाब चल रहा है। तो फिलहाल यार मैं इनको साफ़ करूँगा, ये होंगे गर्म पानी से साफ, पानी अब मैं चढ़ा दूँगा चूल्हे पर और फिर देखते हैं यार इनको साफ़ करते हैं। तो गाइस अब हम जाने लगे हैं, हम अपनी शॉप पे जा रहे हैं बाज़ार, अब्बू को पाए देने, पाए देंगे वहाँ से, मोबाइल भी ठीक कराना अपने अपना आईफोन, तो अभी चलते हैं, अब बैठते हैं फटाफट से। मोबाइल रिपेयर के लिए दिया सब, वहाँ से वो मोबाइल लेकर घर तो चलते हैं, फिर घर जा कर घर आए फिर मेरे ना क्या उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर ट्यूशन जाएंगे हम। दुकान पे ना पाए देने से दे दिए, टाइम नहीं था, बंदे इतने बैठे हुए थे, तो इसको मैं लेके आया हूँ मशीन को साथ, क्योंकि तो यार ये ज़रा पकड़ के सामान समून था वो ले लिया हमने। अब यार मैं ज़रा यहाँ से गुजरा था, ट्रेन जा रही यार टाइम ही नहीं मिलता कसम से, घर से निकलने का ना काम में इतने मशरूफ़, दुकान पर बैठ जाए वहाँ से टाइम नहीं है, घर में काम हो वहाँ से टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं इसको लेके यार इस तरफ आया, तकरीबन भी मैं कोई 4 महीने हो गए उस 4 महीने के बाद यहाँ पे आया हूँ बाहर फिरने के लिए, उससे उसके अलावा टाइम ही नहीं मिलता। अब शादी थी पीछे, घर वाले गए हुए थे, मैं गया ही नहीं, मैं भी दुकान पे ही था। अब भी काम इतना है, घर जाके भी काम करना है, घर जाके दुकान पर बैठना है, उधर दुकान पर से गुजरा हूँ मैं, आपने देख ली होगी, जाके वो अंदर से भी दिखा दूँगा। अब ज़रा वैसे ही टहल करने निकले मैं, गाड़ी का भी ध्यान रखना यार, ट्रेनें वगैरह गुजर रही ठीक है, मौसम ना अभी भी इतना ठंडा नहीं हुआ, देखो दिसंबर चल रहा है, हम वैसे ही बस थोड़ा सा निकले वॉक पे करके तो घर चले जाएंगे यार, थोड़ा सा हमारा भी जो है जहन फ्रेश हो, घर बैठे बैठे हम मरीज़ हो गए अब वापस जाएंगे, मेरा जहन यार चलें। चलें तो यार यहाँ का व्यू तो चेक कर लो, यहाँ पे मेरे ख्याल से ना कोई काम चल रहा है, उन्होंने वहाँ पर ना
वहाँ पर ना उन्होंने वो ऐसे वो रास्ता सा ना बंद किया था, नहीं तो मैं नीचे ही जा रहा था। चलें फिर बिजनेस क्लास। वैसे बहुत ऊंचा व्यू है, हैं यहाँ से बड़ा मज़ा आ रहा। कैमरे में शायद इतनी समझ ना आ रही हो। चलते हैं यार फिर जाके, खाना भी खाना, भूख भी लग रही है। ये मेरे ख्याल से स्कूल है सामने, पता नहीं यार। स्टेशन थोड़ा सा आगे वहाँ पे है स्टेशन, अभी हम स्टेशन पे नहीं पहुँचे। स्टेशन के पास से तो गुजर जाएंगे हम, लेकिन वो आगे है। ये वैसी जो है रास्ता था ऐसे। यार बहुत हो गया, अब गर्मी भी लग रही है, मैं जैकेट पहन के निकलो, आग लग रही है जिस्म में कसम से। लिए कि आ क्या पड़ा है और चावल चावल पे लिंक डाल देना। मैं ना हलीम वाली दुकान पर हूँ और मैं खड़ा हूँ। ये देखो यार मेरा दोस्त है, मैं इससे भी तकरीबन 2 साल बाद मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज पहला ब्लॉग ना, तो मैंने कहा यार चलो निकलते हैं, इधर उधर कोई दोस्त मिल जाए तो ढूंढ लेंगे यार। थोड़ा सा खाना पीना करते हैं, अभी 3 बज रहे हैं तकरीबन ना। और मैंने दिखाया भूख लग रही, मोहसिन को मैं साथ ले आया था। और अभी ये देखो वो सामान ला रहे हैं ना, तो फिर खाएँगे उसे बैठ के। नान इन्होंने रखे हुए छुपा गए ताकि हमें दे ना दें। ये दे यार चावल हलीम और ये खाली हलीम है। ये किसकी प्लेट है भाई? ये मेरी प्लेट है। तो ये ले जाओ ना, ये हमें यहीं पे रखो ना। अच्छा ये आपकी प्लेट है, तो ये नान है यार ये। चलो यहीं से कुछ खा के थोड़ा बहुत निकल लेंगे। हलीम घर लेके चलें, घर ले चलें, चल थोड़ी सी। अरे हलीम कितने की है प्लेट? तो गाइस अभी हम दुकान पे रुके हैं अपने पैरेट के लिए। ये बड़ा केज ले रहे हैं क्योंकि उसको काफ़ी वो तंग रहता है। तो भाई कह रहे हैं ये वाला केज ये 3000 रुपये का और नीचे वाला जो है वो 4500 का। बहुत कुछ गाइस ज़्यादा ही बड़ा है उस तोते के लिए। तो अभी ये वाला हम केज ले लेते हैं। जेन बन गया हमारा भाई, अभी डील कर रहे हैं भाई से। तो अभी भाई आते हैं तो हम पूछते हैं उनसे। पड़ी तो है कबूतर लग गया ना भाई। वो वाला ना ब्लैक वाला यार तोते के लिए लेना था तो वो ले लिया। अब जरा टबियों का पता कर लूँ, इसके बीच में मुझे नज़र आ रही है यार। ये वैसे सही रहेगा उसके लिए ना। हाँ तो ये वाला इसका ये गेट है इसके तकरीबन एक बड़े गेट, बड़ा गेट भी है छोटा भी है यार। ये सही है, वो बेचारा आराम से फिर लेंगे। यार ये हो गया हमारा ना इसके पास, ये दो डब्बियाँ वगैरह ठीक रहेंगी। ये वाला पिंजरा है ये उठा लेता है, फिर घर जाकर इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो यार यहाँ रख दिया हमने कमरे में ना, अभी इसको सेट। तो ये इसकी ट्रे लगाओ अंदर, ये वाली आइए। नहीं अभी नहीं है, इसने वैसे भी गंदा ही होना है। ये कहाँ से यहीं से जाएगा? इधर से ही है मेरे ख्याल से। यार ये ट्रे लगा देते हैं ना अंदर, फिर उसको ला के इसमें से इसमें बड़े पिंजरे में डाल देते हैं। वो रखा हुआ पीछे। अच्छा उसको ला ना इधर, तो लाओ ना से ऐसे ही उठा के। इसका दरवाज़ा खोल के ना, दरवाज़ा इसका ऐसे आके कर लें तो काटेगा। यार ये दाना था जो ले लिया हमने, आगे गेट खोल ले, ऐसे ऊपर से खींच लेना, ऊपर चढ़ जाएगा। अंदर कर ऐसे, दे ऐसे कर देता हूँ। चलो ए देख उसका हाथ, उंगली ना फंस जाए इसकी। चलो बंद हो गया। ये क्या हो? ये सही है भाई, अंदर चला गया। ओ ये क्या कर दिया, सारा गंद कर दिया। चल इधर झाड़ू मारते हैं इसे, ये करना इसकी ट्रेल लगा दी अंदर। भाई साहब यार मैं ब्लॉग को ना यहीं एंड करना चाहूँगा, क्योंकि यार मैं काफ़ी थक गया हूँ, बाजार में भी काफ़ी टाइम लग गया ना। अब बस मुझे ना ये, वैसे मैं दिखा दूँ आपको, ये मेरा पीसी वगैरह ये यहाँ पे मैं बैठ के ना अपना पीसी पे अक्सर काम करता हूँ। ये ग्रीन स्क्रीन मैंने थोड़ी सी लगाई भी है कीलों की मदद से। तो यार बस ये एक ही है मेरे पास, और तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं। बस यार ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आएगी। यार वीडियो पसंद है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के और अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए। यार मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं यार अपने सेकंड ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।